मुझे लगता है कि यही जो मैंने अभी तक सीखा है या जो जाना है या जितना पढ़ा है, मुझे ये फील होता है कि अगर मैं ये सब बोलता हूँ तो मेरे अंदर एक शक्ति ऐसी आ जाती है कि मुझे लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप सब लोग भी क्योंकि अनुयायी हैं तो आप लोगों को भी शायद ये फीलिंग आती जरूर होगी। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए सिर्फ यही कहूँगा आप सब लोगों से कि आप लोगों के जो उद्धार का मार्ग है वो सिर्फ एक या दो बातों से खुल सकता है, जो 70 सालों में क्या कितने सालों में अभी तक नहीं खुला। अगर आप लोग मंदिर में जाकर घंटा बजाना बंद नहीं करेंगे तो आप कुछ भी कर लीजिए कभी भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आप जो पैसा मंदिरों में देते हो वही पैसा आपको तोड़ने के काम आता है। आज सबसे ज्यादा अगर बीजेपी का संगठन आपको तोड़ रहा है उसकी सिर्फ वजह मंदिरों में आप लोगों का दिया हुआ पैसा है, जो आपने 70 साल से पंडितों को दिया। यहाँ पर कोई ब्राह्मण है या नहीं है इसकी बात छोड़ दें, लेकिन मुझे ये फील होता है कि हरेक पंडित अपने बच्चे को शुरुआत से साइकोलॉजिस्ट बनाता है। आप लोग किताबें पढ़ते हैं लेकिन एक पंडित शुरू से ही अपने बच्चे को साइकोलॉजिस्ट बनाता है, जो आपको बेवकूफ बनाने के काम आता है, क्योंकि वो प्रॉपरली साइकोलॉजिस्ट जब तक बड़ा होता है वो सीख जाता है कि सामने वाले को देख के उसके हाव भाव देख के उससे कैसे पैसे निकलवाए जा सकते हैं। सबसे बड़ा हमारे लिए जो दुखदाई जो चीज है वो सिर्फ मंदिरों में आपका दिया हुआ दान है। अगर आप दान देना छोड़ देंगे तो बीजेपी क्या अच्छे से अच्छा संगठन, चाहे कांग्रेस क्या अच्छे से अच्छा संगठन बैठ जाएगा। और आप देख लेना, अगर आप मेरी बात माने तो आप आज से ही घंटा बजाना छोड़ दें, ये बहुत ही क्लियर है सभी के लिए। मैं प्रॉपर्टी देख रहा था अभी कुछ समय से, मुझे अपनी ही कास्ट के इतने सारे प्रॉपर्टी डीलर मिले, मैं उनके पास गया कि चलो इससे कुछ मदद हो सकती है, कुछ प्रॉपर्टी मिल सकती है अच्छी। तो मैंने देखा कि 3-4 प्रॉपर्टी डीलरों ने क्या कर रखा था, वैसे तो बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी डीलिंग उनकी चल रही है, बट वो कोने में उन्होंने एक मंदिर बना रखा बहुत बढ़िया था, खूब बढ़िया पूजा पाठ चलती है उनकी। तो मैं उनको टोका के भी ये क्या कर रखा है आपने, तो कहते साहब हमारे यहाँ तो कोई आएगा ही नहीं अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो। क्यों नहीं आएगा, मुझ जैसा आदमी नहीं पहुँचा क्या? बहुत लोग आपके पास जाएंगे अपने आएंगे, कम से कम अपने लोगों की मदद करिए। तो अगर अपने दिमाग से और दिल से बाबा साहब को नमन करना है, बाबा साहब के अनुयायी बनना है, तो मंदिरों में जाके घंटा बजाना छोड़ दीजिए, ये सबसे जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक हमारे बौद्ध विहारों का संबंध है, अभी कोई साहब बोल लेते तो बौद्ध विहारों का जो भी सहयोग हम ले सकते हैं वो प्रॉपरली सिर्फ इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि वहाँ पर किसी ना किसी का कोई कब्जा है। हम कोशिश करके भी मुकदमेबाजी लड़ते रहे, कुछ भी करते रहे, हम भी लड़ रहे हैं, मतलब चल रहा है काफ़ी दिनों से, लेकिन कोई सफलता उसमें अभी तक नहीं मिल रही क्योंकि कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि वो इतना चलता ही रहता है, मतलब आप जो है उस जगह कोई कुछ नहीं कर सकते ना कुछ कर सकते, और लोग जो हैं वो तीतर की तरह बाज की तरह उनकी नज़र यही रहती है कि इस प्रॉपर्टी पर कैसे कब्जा किया जाए, किस तरीके इस प्रॉपर्टी को
सामाजिक रूप से यूज ना होने दिया जाए, ये सबसे बड़ा हम लोगों का जो है परेशानी का विषय है। तो मैं अपनी बात बस यही समाप्त करूंगा और मैं आपसे फिर एक बार आग्रह करूंगा कि प्लीज़ मंदिरों में दान देना बंद कर दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। जय भीम, जय माता दी।